हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पोल्ट्री फार्म का स्ट्रक्चर है। 140 फीट लंबा है ये पोल्ट्री फार्म और 30 फीट का चौड़ा है, जिसकी जो लंबाई आप देख पा रहे हैं ये तो सीधी है, लेकिन जो चौड़ाई है वो बाहर बाहर 30 फीट है। और यहाँ पर लगभग पाइप के स्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है, इसके बाद फिर ऊपर में कैंचियाँ लगेंगी। यहाँ पर 70 फीट पर एक कॉलम दी गई है दोनों तरफ, और इस तरफ देखेंगे तो तीन कॉलम आपको एक कॉर्नर पे दिखेंगे। सूर्य की दिशा को देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रॉपर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बना है ये फार्म, और हर पोल्ट्री फार्म ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही बनता है इंडिया के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, क्योंकि डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए इसमें। और इस तरफ दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये पाइप को 3 फीट हाइट उठाया गया है जाम करने के लिए। दीवार की हाइट भी 3 फीट है ग्राउंड से, और इसमें कोई बीम वगैरह नहीं दिया गया है, डायरेक्ट पाइप को यहाँ पे कंक्रीटिंग किया गया है। इस तरफ हमने दिया है बीम दोस्तों, ये तीन कॉलम में यानी कि 30 फीट चौड़ाई में हमने इस तरफ एक ही तरफ बीम दिया है, ताकि हम इसी से लगा हुआ एक स्टोर रूम बना सके। वहाँ पर तीन कॉलम और बनेंगे यहाँ पर जब मिट्टी फिलिंग हो जाएगी, तो तीन कॉलम जब और गड़ेंगे दोस्तों तो उसमें यह है कि हमारा स्टोर रूम भी बन जाएगा और ये तीन कॉलम का जो खर्च है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे अभी दोस्तों 3-4 दिनों के बाद यहाँ पे जेसीबी का काम होगा, मिट्टी की फिलिंग होगी। तो उसके लिए दोस्तों कैसे कैलकुलेट करें उसको, एक हाईवा में जैसे आपके 500 फीट लगभग मिट्टी आती है, मिट्टी या मुरुम या जो भी आप फिलिंग करवाना चाह रहे हों, तो उसको दोस्तों आप इंटू कर लीजिए। ये 3 फीट हाइट का दीवार है, 140 × 30, और फिर उसको 3 से और इंटू करेंगे तो जो मिट्टी की के जो लगने हैं वो पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे ये बाजू में दोस्तों एक छोटा सा खेत है, जिसे हम तालाब भी बना रहे हैं और साथ में इसी मिट्टी को फिलिंग किया जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे जो हम नींव दी है पोल्ट्री फार्म पे, तो यहाँ पे जो मिट्टी है दोस्तों लाल मिट्टी है, और 4 फीट में यहाँ पर मुरुम है, तो इस वजह से ज़्यादा हैवी नीचे बीम वगैरह नहीं दिया गया है। चाहें तो आप, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो और मजबूत बना सकते हैं, या फ्यूचर में आप अगर 2 मंजिला पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं तो उसमें आप बीम की आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं बीम को। इसमें दोस्तों बाहर बाहर प्लास्टरिंग करवाया है हमने, और अंदर की तरफ सिर्फ ऐसे जॉइंट्स ऐसी रफ प्लास्टर किया जाएगा। मैं तालाब की बात कर रहा था दोस्तों, ये देखिए ये खेत है जिसे हमने खुदवाया है अभी, 3 फीट मिट्टी है, उसके बाद फिर लाल मुरुम आ गया है नीचे, तो इसमें फिलिंग के काम में हम इस मुरुम को इस्तेमाल करेंगे। जितना भी लगे इस खेत से हम निकालेंगे, ताकि हमें बाहर से ख़रीदना ना पड़े मिट्टी या मुरुम। अब ये खेत भी साथ ही साथ तालाब बन जाएगा। इसमें दोस्तों ये इस जगह के स्पेस को छोड़ा गया है, ताकि हम इसमें गार्डनिंग वगैरह या स्टोर रूम वगैरह और अलग से बना सके। काले ईंटों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, 8 इंची ईंटें हैं, 9 इंची ईंटें आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं इसमें। पोल्ट्री फार्म में सिर्फ आपको एक बाउंड्री वॉल खड़ा करना है, जिसमें आप मिट्टी फिलिंग कर सकें। ये देखिए अंदर में भी रफ प्लास्टर नहीं किया गया है, थोड़ा सा रफ प्लास्टर इसमें किया जाएगा, और बाहर की तरफ हमने दोस्तों पूरे प्रॉपर प्लास्टर की हुई है। अब यहाँ पर मिट्टी का फिलिंग का काम 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। दीवार की ऊँचाई हमने यहाँ पर 3 फीट लिया दोस्तों ग्राउंड से, और इसमें आप देख पाएंगे तो एक ईंट बस नीचे है, और उसके नीचे फिर मिट्टी है, तो उसे हमने थोड़ा सा बराबर किया है। जब तक नरम मिट्टी ऊपर की थी उसको हटा दिया गया है। इसकी हाइट, दीवार की हाइट दोस्तों आप अपने आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। इसका सिर्फ इतना ही काम है कि बाहर का पानी अंदर ना आए। अब ये दोस्तों ये ग्राउंड लेवल से देखें तो ये एक धान का खेत है, तो उसके हिसाब से हमने लिया है। और इसमें अंदर मिट्टी फिलिंग करने के बाद यहाँ भी बाहर की तरफ भी 4-5 फीट 6 फीट तक मिट्टी फिलिंग करवाया जाएगा, ताकि उसमें पर्दे लगाने के लिए चलने की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक तरफ हमें रास्ता भी देना होगा, ताकि उसमें जो उठाव वाली गाड़ी आती है उसे रखने के लिए जगह हो। किसी भी एक तरफ आप गेट को दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ।